नमस्कार, मैं दीपांशु चक्रवर्ती। चलिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसी वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक। चलिए आज हम पढ़ेंगे किसी वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम समझेंगे वैद्युत ध्रुव को। तो आपने वैद्युत ध्रुव को समझ चुका है, यदि दो भिन्न आवेश अर्थात विजातीय आवेश की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक प्लस आवेश और दूसरा माइनस आवेश, एक दूसरे से बहुत अल्पतम दूरी पर है तो उसके निकाय को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक वैद्युत ध्रुव यहाँ पर लेते हैं, जैसे ये माइनस क्यू हो गया, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम ए, और ये इस बिंदु का नाम है बी। ए पर है माइनस क्यू आवेश और बी पर है प्लस क्यू आवेश। अब कुछ दूरी तो हमें दिखाना होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो ये एक वैद्युत ध्रुव है जो एक दूसरे से बिल्कुल बहुत अल्पतम दूरी पर है। मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है इस वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति क्या होगी, तो जैसा ध्रुव को हम ले जा रहे हैं यदि उसी के आगे ले जाएं तो वो अक्षीय स्थिति कहलाती है, परंतु उसके समांतर चलें स्टूडेंट्स तो वो कहलाती है निरक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति। तो स्टूडेंट्स, हमें इसकी अनुप्रस्थ स्थिति में ही क्या करना है, उसमें किसी बिंदु पर जो है, यहाँ पर कोई बिंदु हो तो उसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि कितना आएगा। उसके लिए हमें सूत्र उत्पन्न निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो देखिए, हमने एक वैद्युत ध्रुव बना लिए यहाँ पर ए बी, जो किस किस से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उसकी लंबाई 2L है। तो देखिए, इसकी लंबाई हमने 2L रखा हुआ है। अब इसके मध्य बिंदु से, अर्थात इस ए बी के बिल्कुल मध्य बिंदु से, बिल्कुल बीचों बीच हम एक बिंदु ले लेते हैं सी, मध्य बिंदु से निरक्षी स्थिति में, अब निरक्षी स्थिति अर्थात आपको इसके समांतर लेना है, अर्थात ऊपर की ओर लेना है निरक्षी स्थिति में, r दूरी पर एक बिंदु P है। तो क्या करना है आपको, इसकी निरक्षी स्थिति में r दूरी लेना है, और r दूरी में जो है आपको, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r हो जाएगा आपका, तो r दूरी में कोई बिंदु ले लेना है आपको P। मान लीजिए ये बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर स्टूडेंट्स, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस वैद्युत ध्रुव के कारण, ठीक। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 की कल्पना करते हैं। स्टूडेंट्स, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसके द्वारा हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। किस प्रकार से, मान लीजिए हम कोई प्लस Q0 आवेश परीक्षण आवेश के रूप में ले रहे हैं, तो प्लस Q0 आवेश पर जो है ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश कुछ अपना बल आरोपित करेंगे, जिसके तहत हम पता लगा सकते हैं कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हम एक कल्पना करते हैं कि इस पर कोई आवेश है प्लस Q0। असल में परीक्षण आवेश को हम लोग Q0 से लिखते हैं, और परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम पी पर एक प्लस Q0 परीक्षण आवेश की गणना करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर यदि हम Q0 आवेश की गणना करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वैद्युत ध्रुव है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। आपको पता है दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसके पास, इस वैद्युत ध्रुव के पास एक बिंदु P है जिसमें हमारा परीक्षण आवेश Q0 है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश जो है, इसके पॉजिटिव होने के कारण ये पॉजिटिव वाला प्लस क्यू आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा अर्थात उस पर एक बल आरोपित करेगा, उसको दूर ढकेलने का प्रयास करेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ये जो माइनस क्यू वाला आवेश है ना,
ये भी इस पर बल लगाएगा, परंतु ये माइनस है और ये परीक्षण आवेश यहाँ पर पॉजिटिव हम मान रहे हैं, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, देखिए स्टूडेंट्स, वो कुछ उस तरफ होगी, बल उस तरफ लगेगा, जबकि इसकी दिशा इस तरफ होगी, ये इस तरफ बल करेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ठीक यहाँ तक आ जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगी E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 इंटू उस पर आवेश बटे उसके बीच की लंबवत दूरी, अर्थात अब देखिए दूरी कहाँ से कहाँ तक है, तो B से लेके P तक, इसकी दिशा कौन सी होगी स्टूडेंट्स, तो इसकी दिशा होगी BP दिशा, कौन सी दिशा होगी, BP दिशा, इस दिशा में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, इसे जो है आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, देखिए यहाँ पर माइनस क्यू नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये माइनस क्यू में माइनस चिन्ह दिखाता है कि ये ऋण आवेश है, परंतु हमको यहाँ पर केवल आवेश के परिमाण का मान रखना है, ऋण या धन का नहीं, ठीक है। तो Q अपॉन उससे दूरी AP दूरी लिखो या PA लिखो, दिशा तो P से लेकर A तक होगी, है ना, तो हम यहाँ पर लिख तो दे रहे हैं AP का वर्ग, सॉरी यहाँ पर वर्ग नहीं लगा पाए, वर्ग लगेगा, तो AP का वर्ग, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर आपका 2, ठीक। इसकी दिशा कौन सी होगी स्टूडेंट्स, तो इसकी दिशा होगी P से A की दिशा में, तो पी ए दिशा में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप क्या देखेंगे कि एक बिंदु प्लस क्यू जो है इस दिशा में बल लगा रहा है, और दूसरा बिंदु जो कि माइनस क्यू है वो इस दिशा में बल लगा रहा है, एक जो है इस दिशा में बल लगा रहा है और एक जो है इस दिशा में बल लगा रहा है, तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें, तो स्टूडेंट्स हम ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, इनके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम दो घटकों में विभक्त कर देंगे। आपने तो कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, जैसे कोई बल है जो कि F द्वारा इस रेखा द्वारा निरूपित होता है, तो इसे किस प्रकार से हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, देखिए ऐसा और ऐसा खींचेंगे आपको, और यहाँ पर मान लीजिए कोई कोण थीटा है, इस परिस्थिति में इस बल को क्या नाम देंगे और इस बल को क्या नाम देंगे, तो देखिए जो लंब के साथ, सॉरी लंब ये है, लंब के साथ कर्ण हो उसे हम साइन थीटा देते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका एफ साइन थीटा, और कर्ण के साथ आधार हो तो इसे हम देंगे एफ कॉस थीटा का नाम। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, बिंदु बी पर जो प्लस क्यू आवेश है वो पी पर जो बल लगा रहा है उसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और दो भागों में बांट देंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कोण की कल्पना करना होगा कि यहाँ पर कोण जो है थीटा बन रहा है,
और यहाँ पर भी कोण कौन सा बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब इसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और इसके समांतर एक आप रेखा खींच दीजिए। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर रेखा है, तो दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो ये जो कोण कहलाते हैं ये संगत कोण कहलाते हैं, तो ये हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ थीटा कोण है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी कोण कौन सा है, थीटा है, जो कि किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। इसका मतलब E प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ऊपर की ओर लग रही है, क्योंकि बल ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है ना, ये ऊपर की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इसके दो भाग बनेंगे, कौन कौन से, देखिए एक आएगा आपका ई प्लस क्यू साइन थीटा जो कि ऊपर की ओर होगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक, अब ये जो माइनस क्यू आवेश है ये भी बिंदु P पर जहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा हुआ है इस पर बल लगाएगा, और ये बल किस ओर लगा रहा है, तो ये बल जो है अपनी ओर लगा रहा है। अब ये जो बल है अपनी ओर लगाएगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो अपनी ओर होगी, अर्थात P से A की ओर होगी। तो इस स्थिति में हमें जो है इसके भी दो भाग करना है। अब देखिए आपको इसके भी दो भाग करना है, तो एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा ले लीजिए। अब आपका कोण यहाँ पर थीटा है, तो देखिए इस परिस्थिति में ये दो एक समांतर रेखा ये हो गई, तो उसको एक तिर्यक छेदी रेखा ये काट रही है, और यहाँ पर कोण आपका थीटा है, तो संगत कोण सॉरी ये यहाँ पर जो है इसका एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। उस परिस्थिति में यहाँ कोण थीटा है तो यहाँ पर भी कोण कौन सा होगा, थीटा होगा। यहाँ पर गणित थोड़ी अप्लाई होती है, है ना, तो यहाँ कोण थीटा है तो यहाँ पर भी कौन सा कोण होगा, थीटा कोण होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इधर बल लगा रहा है ना, ई माइनस क्यू जो है कहाँ लग रहा है, ये यहाँ पर लग रहा है, ई प्लस क्यू तो उधर लग रहा था, ध्यानपूर्वक समझिए ई माइनस क्यू इधर लग रहा है, तो इसके भी दो घटक होंगे। इसके कौन कौन से दो घटक होंगे, तो एक लंब के साथ होंगे और एक आधार के साथ। तो लंब के साथ एक घटक काम करेगा ये इस ओर नीचे की ओर, उसको बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स ई माइनस क्यू साइन थीटा, और जो इधर कार्य करेगा वो होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या समझ में आ रहा है, तो देखेंगे कुल मिलाकर ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की ओर लग रहा है और ई माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है। और आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, अर्थात दोनों बल उतना ही लगाएंगे, तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा जो बल लग रहा था ई प्लस क्यू साइन थीटा का ऊपर की ओर, और जो माइनस के कारण नीचे की ओर लग रहा है, ये प्रभाव में जो है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक ऊपर की ओर लग रहा है और एक नीचे की ओर लग रहा है, तो इनका मान बिल्कुल बराबर होगा और एक दूसरे के प्रभाव को ये समाप्त कर देंगे। परंतु दोनों के कारण एक बल लग रहा है ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा जो कि इस दिशा में लग रहा है, और दोनों के लिए इसी दिशा में लग रहा है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम मान लेंगे कि माना सी बी पी बराबर सी ए पी बराबर थीटा है, मतलब ये दोनों कोण जो हैं थीटा हैं, और हमने इसे घटकों पे तो वियोजित कर चुके हैं, परंतु ये जो घटकों पे वियोजित कर रहे हैं इसको विस्तार से ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा बहुत बस लिखेंगे। किस प्रकार से, तब हम E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू को, अर्थात E प्लस क्यू जो इसके द्वारा लगाया गया बल है, अर्थात उसकी तीव्रता है विद्युत द्विध्रुव की, और ई माइनस क्यू जो कि इसके द्वारा लगाई गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, को ए बी के लंबवत, ए बी के लंबवत और समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर ए बी के लंबवत घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं।
तथा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, देखिए जो एक ही दिशा में लग रहा है, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये जो जुड़ रही है वही होगी, ये तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दी, अर्थात कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा और उसमें जुड़ जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए परिमाण में दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश भी परिमाण में बराबर होते हैं। तब E बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों बराबर हैं तो जुड़ जाएंगे, आप इसे प्लस लिखिए अथवा ना लिखिए, तो E 2E प्लस Q cos थीटा हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि E प्लस Q बराबर है E माइनस Q के, तो E बराबर हो जाएगा 2E प्लस Q cos थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें cos थीटा की वैल्यू रखना है, तो हमें जो है थोड़ी सी और जगह की आवश्यकता है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके आगे हम करेंगे फिर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर cos थीटा का मान निकालेंगे, तो देखिए समकोण त्रिभुज सी बी पी में, समकोण त्रिभुज सी बी पी में cos थीटा बराबर, तो आपको पता होगा कक्षा दसवीं तक तो आपने पढ़ा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में आधार क्या है सी बी, कर्ण क्या है बी पी, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, आपका आधार क्या है आधार बी सी, कर्ण क्या है बी पी। अब आपको बी पी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू रखना है, तो बी सी की वैल्यू देखिए ये बिल्कुल इसका मध्य बिंदु है और जिसकी लंबाई 2L है, तो यहाँ तक की लंबाई तो L हो जाएगी, ठीक, और इसकी दूरी R है, परंतु BP की लंबाई हमें नहीं पता है, तो BP की लंबाई के लिए हमें क्या करना होगा, इस परावाह में पाइथागोरस प्रमेय भी लगाना होगा, तो इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। समकोण त्रिभुज BCP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण क्या है BP, BP का वर्ग बराबर लंब कौन है, तो लंब देखिए आपका R है, तो R का वर्ग, और आधार देखिए आपका L है, L का वर्ग, तो BP वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा आपका वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर R का वर्ग धन L का वर्ग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे क्या ये cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो जबकि cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका BC, BC अर्थात L, L अपॉन BP, तो BP की वैल्यू क्या है R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये आपकी आ गई cos थीटा की वैल्यू, ठीक। अब बाय इक्वेशन नंबर 3, बाय इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 के द्वारा आपको E निकालना है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 2 और E प्लस क्यू, इसकी भी वैल्यू आपको रखना है, इसकी वैल्यू क्या थी जो यहाँ आई थी E प्लस क्यू की वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू थी आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन यहाँ से डिस्टेंस बी पी का स्क्वायर इंटू cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाले L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए बी पी की वैल्यू हमने तो निकाल चुके हैं, तो इसे फिर रख देते हैं, E बराबर हो जाएगा क्या 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर आ गया, ठीक है,
ये हो गया एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल हो जाएगा 2 × 1/4 pi epsilon 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि स्क्वायर रूट को 1/2 भी लिखा जाता है, तो e बराबर हो जाएगा 2 × 1/4 pi epsilon naught × q/r² + l² एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा r² + l² ⁻¹² 1/2, मतलब 1/2। अब आधार बराबर हो और घाते अलग अलग हो, संख्या गुणा में हो तो घाते जुड़ जाती है, आपको पता है। तो यहाँ पर कितने की घात 1 और यहाँ पर कितने की घात 1/2, 1 और 1/2 को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/2 होगा। कैसे होगा देखें, 1/2 में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, हर का गुणा हर से करेंगे, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तिर्यक गुणा कहते हैं इस चीज़ को, 2 और 1 3, 3/2 हो रहा है। तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे आप ई बराबर 2 × 1 = 2 और क्यू एल ये आप लिख दीजिए सीधे ऊपर, अपॉन 4 pi epsilon naught × r² + l² और होल पावर 3/2, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब आप जानते हैं वैद्युत विधुर आघूर्ण परिभाषा लिखाए थे हमने, क्या होता है वैद्युत विधुर आघूर्ण, P बराबर हो जाएगा 2QL। तो आप मान रख सकते हैं E बराबर हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught × p/r² + l² / 3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और आप इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब देखिए, यदि मान लीजिए ये बिंदु P वैद्युत विधुर से बहुत अधिक दूरी पर है, मतलब R का मान बहुत अधिक है, तो L की आप क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे। यदि R बहुत अधिक बढ़ा है किससे, L से, तब की परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो तब की परिस्थिति में आप L को गायब कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught × p/r² केवल आर स्क्वायर रहेगा, एल तो गायब, 3/2 स्क्वायर से स्क्वायर, सॉरी 2 से 2 गया, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught × p/r³। ये हो गया आपका व्यंजक इक्वेशन नंबर 7, ये कंडीशन पर निर्भर कर रहा था। तो स्टूडेंट्स ये हो गया किसी भी वैद्युत विधुर के निरक्षी स्थिति पर, किसी भी बिंदु पर निरक्षी स्थिति में, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए आप।